आदित्यनाथ योगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी समेत तमाम लोगों को गले उतर रहा है, लेकिन एक राजनीतिक यथार्थ के रूप में स्वीकार करने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस मंत्रिमंडल में राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह को मंत्री न बनने पर भी लोग चौंकने को मजबूर हो गए हैं, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन के बेटे आशुतोष टंडन को कैबिनेट में जगह दी गई है। मशहूर क्रिकेटर और बीजेपी के प्रवक्ता मोहसिन रजा को बीजेपी ने अपने मंत्रिमंडल में जगह देकर मुस्लिम विरोधी छवि बदलने की कोशिश की है। बीजेपी को प्रदेश की 403 सीटों पर एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं मिला था। वहीं योगी समेत 47 चेहरों के मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम चेहरा शामिल किया गया है, जो वक्फ की देखरेख के लिए जरूरी था। लेकिन दया शंकर सिंह के दलित विरोधी बयान की वजह से राजनीति में आई उनकी पत्नी स्वाति सिंह को मंत्री बनाकर बीजेपी ने अपनी पारंपरिक छवि को बचाए रखा है। मंत्रिमंडल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अहमियत मिली है। मुजफ्फरनगर कांड और कैराना विवाद से जुड़े सुरेश राणा को मंत्री बनाकर बीजेपी ने अपना एजेंडा और साफ कर दिया है। वहीं बीजेपी के दो प्रवक्ता और पदाधिकारी सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा को भी मंत्री पद मिला है। मथुरा से श्रीकांत शर्मा और लक्ष्मी नारायण चौधरी को शपथ दिलाई गई है, तो बरेली से राजेश अग्रवाल और धर्मपाल सिंह और शाहजहापुर से सुरेश खन्ना को शामिल किया गया है। टुंडला से एसपी बघेल, अमरोहा से चेतन चौहान और थाना भवन से जीत कर आए सुरेश राणा को मौका दिया गया है। बाहर से आए कई नेताओं को भी मंत्री पद की बख्शीश दी गई है। कांग्रेस से आई रीता बहुगुणा जोशी, बीएसपी से आए ब्रजेश पाठक, स्वामी प्रसाद मौर्य, लक्ष्मी नारायण चौधरी। कांग्रेस छोड़ बीएसपी सरकार में मंत्री रहे इलाहाबाद दक्षिण से विधायक नंद कुमार नंदी को भी पारितोषिक मिला। योगी के कैबिनेट में मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस को भी अहमियत दी गई है। बनारस दक्षिणी से पहली बार विधायक बने नीलकंठ तिवारी को कैबिनेट में जगह दी गई है। यूपी की राजधानी लखनऊ को भी खासी तवज्जो मिली है। राजधानी से 3 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। वहीं पूर्वांचल की योगी मंत्रिमंडल में उपेक्षा की गई है। इलाहाबाद से 2 मंत्री तो अलग पूर्वांचल मांग करने वाले भाजपा यानी सुहेल देव भारत समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। रजत मिश्रा, एपीएन।